खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण के बगल में आज सर्वोदय हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि आजाद भगत सिंह एडीएम फाइनेंस ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिला महिला अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार सिंह, डॉक्टर अनुप कुमार यादव, डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर डी पी राय, एसडीएम रोहित, अनिल चतुर्वेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल आदि अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम में चार चांद लग गए। सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद यादव एवं सर्वोदय पब्लिक स्कूल की निदेशिका श्रीमती कंचन यादव ने संयुक्त रूप से अतिथियों का आभार जताया। सर्वोदय हॉस्पिटल के मैनेजिंग डॉक्टर डॉक्टर अरमान खान ने कहा कि मेरा सतत प्रयास रहेगा कि यह हॉस्पिटल पूर्वांचल में ख्यातिलब्ध हो। यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण है। मुख्य अतिथि ने कहा कि सर्वोदय के विकास का ये जो कारवां दिन प्रतिदिन अग्रसर होता जा रहा है, उसके लिए मैं इन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये कारवां कभी न रुके। सर्वोदय हॉस्पिटल के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मैं इसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति की भी सहायता करना चाहता हूं जो उचित इलाज ना पाकर विडंबना के शिकार हो जाते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सर्वोदय पब्लिक स्कूल, प्रधानाचार्य महिला डिग्री कॉलेज, प्रधानाचार्य सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्रधानाचार्य सर्वोदय फार्मेसी कॉलेज व अन्य अतिथिगण तथा समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा कि इनके जो ओनर हैं राजेंद्र यादव जी को, कि आपने बड़ा पुनीत काम किया, अच्छा है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो कैटरिंग एरिया है इसका, ये भी काफ़ी बड़ा है, तो सबसे पहले तो उनको मैं बधाई दूंगा। और हॉस्पिटल्स में जो हम लोगों ने अब तक देखा उसमें अधिकतर सारी व्यवस्थाएं हैं। जो डिटेल आपको जानकारी देंगे वो इनके आपके यहाँ के ओनर देंगे आपको कि हॉस्पिटल्स में क्या क्या व्यवस्था है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में हॉस्पिटल खुल जाने से जो आसपास के लोग हैं उनको लाभ बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगा और बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बहुत अच्छा है, इसीलिए उनको बधाई भी दे रहे हैं हम। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।